वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, हम आज आपको घुमाने लेके आए हैं प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर। ये स्टेशन कोई बड़ा स्टेशन नहीं है और इलाहाबाद सिटी में पड़ता है। इसका नाम भी पहले इलाहाबाद सिटी था, लेकिन अभी इसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये इस स्टेशन की रोड है, बीच में डिवाइडर बने हुए हैं जो कि अभी नए बनाए गए हैं। पहले ये डिवाइडर नहीं थे, अभी इनको लगाया गया है। हालांकि ये रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी डिवाइडर बनाए गए हैं शायद यातायात को सुगम बनाने के लिए। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि ज़्यादा जगह होने की वजह से इस तरह की डिवाइडर की ज़रूरत है। आउटर रोड पर 24 आवर कनेक्टिविटी उपलब्ध है शहर के किसी भी कोने के लिए, खासकर इलाहाबाद जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन के लिए। इसका एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। अंदर काफ़ी जगह है पार्किंग के लिए, आप यहाँ पर कार भी ले आ सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। काफ़ी जगह दी गई है कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन कराने के लिए। 3 विंडो हैं जहां पर आप कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन करा सकते हैं। अंदर जाने का मुख्य रास्ता यही है। ये इंक्वायरी है। ये पहला प्लेटफॉर्म है, ये जुड़ा हुआ है सीधा आगे जाकर बनारस के रेल मार्ग से, और इसका ये हिस्सा बंद है, आगे जाकर रोड पे ये ख़त्म हो जाता है। इस स्टेशन के 2 भाग हैं, ये पहला भाग है जो कि आगे जाकर बंद हो जाता है, और दूसरा भाग आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये दूसरे भाग के लिए ही फ्लाईओवर बनाया गया है। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि इसका पुराना नाम इलाहाबाद सिटी स्टेशन था, उसका ही एक बोर्ड पड़ा हुआ है, अवशेष बचे हुए हैं। पहले ये स्टेशन छोटी लाइन का स्टेशन था। 1991 तक यहां पर छोटी लाइन थी मीटर गेज, जिस पर गाड़ियां चलती थी और ये बनारस से कनेक्टेड थी। बाद में इसको ब्रॉड गेज कर दिया गया है, अब यहाँ पर ब्रॉड गेज की गाड़ियाँ चलती हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। वाराणसी कैंट स्टेशन से पहले मरवाडीह एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर एक पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर अपनी ट्रेन में चाबी लगाकर छोड़ गया था, जिसमें एक कांवड़िया घुस गया। शरारत करने के उद्देश्य से उसने ट्रेन के कुछ बटन दबा दिए, जिससे ट्रेन चल पड़ी और काफ़ी स्पीड में भागते हुए वह दौड़ी चली आ रही थी। रास्ते में रोकने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए उस ट्रेन को, लेकिन कोई भी इंतजाम सक्सेसफुल नहीं हुआ। हर तरह की कोशिश की गई कि उस ट्रेन को किसी तरह रोक दिया जाए, लेकिन कोई भी इंतजाम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। कारण ये था कि ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। उस ट्रेन में हालांकि यात्री कोई नहीं था, लेकिन उससे खतरा ये था कि आगे की ट्रेनों को खाली करना पड़ गया था, और आखिर में जाकर उसको यहाँ पर पलटा दिया गया। सुपर फास्ट ट्रेन भी बनारस से यहाँ तक पहुँचने में 2.25 घंटे का करीब समय लेती है, लेकिन वो कांवड़िया मात्र 40 मिनट के अंदर गाड़ी यहाँ पर लेकर आ गया था। शुक्र ये था कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी यात्री नहीं था। हालांकि ट्रेन पलटते समय थोड़ी असावधानी की वजह से यहाँ पर मौजूद कोई आदमी मर गया था। वो कांवड़िया बच गया था क्योंकि जिस इंजन में वो घुसा हुआ था वो बच गया था। सामने रामबाग रेलवे क्रॉसिंग है, और ये बहुत पुरानी रेलवे क्रॉसिंग है। जबकि ये छोटी लाइन का स्टेशन था, लेकिन फिर भी ये इलाहाबाद जंक्शन से कनेक्ट था, इस वजह से क्योंकि ब्रॉड गेज की लाइन इलाहाबाद के फेमस किले जो कि संगम पर स्थित है वहाँ तक कनेक्टेड थी, और वहाँ तक गाड़ियाँ मालगाड़ी जाती थी, वहाँ से माल भर करके इलाहाबाद जंक्शन तक जाती थी। अभी ये रूट बनारस का सबसे सीधा रास्ता बन गया है, सबसे शॉर्टकट रास्ता है, जो कि इलाहाबाद जंक्शन के द्वारा मरवाडीह होते हुए बनारस के कैंट स्टेशन तक जाता है।
यहाँ से दिल्ली जाने के लिए शिवगंगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लिच्छवी जैसी प्रमुख ट्रेनें हैं। वहीं बम्बई जाने के लिए पवन एक्सप्रेस जैसी ट्रेन है। कानपुर के लिए चौड़ी चौरा जैसी ट्रेन चलती है। ये सिंगल रूट है और हाल ही में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है। ट्रेन दुर्घटना बिल्कुल इसी जगह पर हुई थी, लूप लाइन पर। ट्रेन को छोड़कर यहीं पर पलटा दिया गया था। बहुत भीषण दुर्घटना थी, अरबों रुपए का रेलवे को नुकसान हुआ था। ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह चकनाचूर और एक के ऊपर एक आ गए थे। हालांकि इंजन सुरक्षित था, जिसकी वजह से वो कांवड़िया भी सुरक्षित रह गया था। यहां पर एक आदमी बाथरूम के अंदर था, लैट्रिन कर रहा था, लेकिन उसको जानकारी नहीं हो पाई कि रेलवे स्टेशन को खाली कराया जा रहा है। इस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ट्रेन के डिब्बे उसके ऊपर चढ़ गए थे। मैंने देखा था उस समय, ये काफ़ी भीषण दुर्घटना थी और चकनाचूर डिब्बों को लोहे की गैस वेल्डिंग से काटा जा रहा था। उस कांवड़िया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। हालांकि वो कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा था। शुक्र ये था कि उस पैसेंजर ट्रेन में कोई यात्री और कोई कर्मचारी नहीं था। प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन का एंड है। यहाँ से आगे कोई लाइन नहीं जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले भाग का एंड है। दूसरा भाग कनेक्टेड है प्रयागराज जंक्शन से, जिसको कि मैं पहले दिखा चुका हूँ। इस स्टेशन पर एटीएम की सुविधा नहीं है, पर खास प्रयागराज सिटी में होने के कारण आपको बाहर एटीएम और होटल की सुविधा भी मिल जाएगी। 24 आवर ये प्रयागराज जंक्शन से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको साधन शहर में किसी भी हिस्से में जाने के लिए 24 आवर मिल जाएंगे। स्टेशन की प्रमुख ट्रेन है विभूति एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा तक जाती है और यहीं बनती है। और बाकी पैसेंजर ट्रेनें हैं जो कि यहीं से बनती हैं और इलाहाबाद टू बनारस को कनेक्ट करती हैं। स्टेशन के भाग दो से भी काफ़ी ट्रेनें जाती हैं, लेकिन अधिकतर का स्टॉपेज नहीं है।